नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सीहोर जिले के बड़नगर पंचायत के किसान पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास पर। वहां पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया। इससे पूर्व भी सीहोर कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया। उन्होंने मांग की कपिल धारा के अंतर्गत जो हमारे कुएं निर्माण ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा किए गए थे, उसका भुगतान अभी लग नहीं किया गया और कुएं भी अधूरे पड़े हुए हैं। इस पूरे मामले की उचित जाँच कर हमें न्याय प्रदान करें और दोषियों को सजा दें। सर, कलेक्टर साहब को आवेदन दे रहे हैं और ये जांच वगैरह का बोला था। 4-5 रोज पहले जांच भी हो चुकी है और जो बयान करवाया हमारे कुएं के पैसे निकाले फर्जी गाय पाए गए उनके भी बयान करवाए, उनका भी नाम लेके और सब ने बयान भी कर दिए और आज फिर हम कलेक्टर ही में आए। क्या जवाब, कोई जवाब ही नहीं आ रही है सर। ये बड़नगर पंचायत का 4-5 किसान शामिल है सर। ये 2013-14 का है सर। पूरे मामले में कलेक्टर महोदय सब पिछली बार मिले तो उन्होंने आदेश दिए जांच पाया। जांच में यही पाया, फर्जी पाया गया ये सर। ये मजदूर के भुगतान ये पैसे निकाल लिए, उनको पेट्रोल के पैसे देते थे और बाकी के पूरे पैसे वो रख लेते थे। दुर्गा प्रसाद जी, धोखाधड़ी हुआ और उसमें 5-6 लोग फर्जी पाए गए, मतलब जिला पंचायत के अधिकारी गए थे उनके सामने, उन्होंने बयान दिया कि हमने काम नहीं किया इस कुएं में, पर हमारे मतलब 100 रुपए देते थे और पैसा निकालता था। आज कलेक्टर साहब से फिर हम ये आवेदन लेकर आए हैं कि साहब ये फर्जी लोग जो पाए गए इनके खिलाफ और ये सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको 6 फीट कुआ खुद पाया है, बाकी इनने बंद कर दिया, ऐसा निकाल लिया। अब मैं कहाँ से वो मजदूर कहाँ से लगूँ, कुआ कहाँ से खुदूँ? मैं तो खुदवाने तैयार हूँ नहीं आज, लेकिन इनने मना कर दी। यहाँ लिखित में दे दी कि पत्थर आ गए। मैं चल कर देखी आप मौके पे कि पत्थर है कि मिट्टी है। अब मेरे साथ ये हुआ सर, मेरा कुआ का मैं काम करवाने के लिए मैं पहुँचा। मैंने कहा बोला हुआ आप काम करो कि भैया अभी गर्मी का टाइम है, अभी नहीं होगा, और मैं रिहायती भरने नहीं जाऊँगा मजदूर की, और अभी कौन जाएगा वो अगले साल देखेंगे। जब अगले साल मैं गया इनके पास बीरबल सिक्योरिटी के पास, तो बोला तुम्हारा कुआ तो खत्म हो चुका है। वो आज मैं कलेक्टर साहब के पास आया था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।